देख रहे हैं एनडी 94 न्यूज। मेरे इस चैनल पर जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर बेल दबाएं। मैंने आपको 7 अगस्त की एक खबर दिखाई थी, क्रिकेट के दीवाने हैं हम। क्रिकेट प्रेमी शास्त्री पारक, गोंडा, ब्रह्मपुरी, सीलमपुर, जाफराबाद, मौतपुर, गावड़ी, करतार नगर, सोनेबहर, करावल नगर, नंद नगरी, सीमापुरी, ये सब जमुना के किनारे क्रिकेट खेलने आते हैं। लेकिन आज हालात वह है, वहां बाढ़ आ चुकी है। जनप्रतिनिधि इनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते, अब ये कहाँ खेलेंगे। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। चालू हो गया। आप देख रहे हैं एनडी 94 न्यूज। मैं इस समय जमुना के किनारे पे हूँ और ये तुम्हारा शास्त्री पारक, सीलमपुर, गोंडा, ब्रह्मपुरी, करतार नगर, उस्मानपुर, दयालपुर और तुम्हारा गोकुलपुरी, यहाँ तक के खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, दीवाने हैं, वो यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। और इतने हिस्से में सरकार की कोई सुविधा नहीं है जहाँ पे क्रिकेट खेल सके। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि इनको खेलते हुए खिलाड़ियों को दिखाएं। देख रहे होंगे आप ये सारा का सारा नजारा किस तरह है। ये देखो, इन्होंने गाड़ी भी लेके आए हुए हैं, ये अपना गाने से टाइम पास करते हुए। और इधर देखो चारों तरफ, और बीच में पार्किंग भी बनी हुई है और यहाँ पर कई तरह की ठेलियाँ भी लगी हुई हैं। सलीम जावेद, कहाँ से आते हैं क्रिकेट खेलने आप? जाफराबाद। जाफराबाद से? तो वहाँ कोई ऐसा खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है, स्टेडियम वगैरह कुछ हो? नहीं, वहाँ कोई ग्राउंड स्टेडियम वगैरह नहीं है, यही बड़ा सा मैदान है, यही आके खेलते हैं। अच्छा, यही आके खेलते हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ? तकरीबन 3 साल से खेल रहे हैं। 3 साल से खेल रहे हैं। दिला दो। बंटी, बंटी कहाँ से आए आप क्रिकेट खेलने? करावल नगर से, मुकुंद बिहार। मुकुंद बिहार से? हाँ। तो आपके आसपास नहीं है कोई भी खेलने की व्यवस्था? कोई स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। चलो, थैंक यू।
आपने देखा जमुना के किनारे बाढ़ से क्या हालात हो गए हैं, क्रिकेट के मैदान में पानी पानी हो गया है जहां लोग क्रिकेट खेला करते थे। अगर इस बार इलेक्शन होते हैं, विधायक, निगम पार्षद या सांसद या कोई कार्यकर्ता आपसे वोट मांगने आता है तो आप पूछना मेरा क्रिकेट का मैदान कहाँ है जिसमें हम और हमारे बच्चे खेला करते थे, आज पानी भर गया है। पहले इस बात का जवाब दो। देश और दुनिया को सलाम।